इंदौर नगर निगम ने हत्या के आरोपी की अवैध संपत्ति को जमींदोज किया, तो वहीं कई अति खतरनाक मकानों को भी तोड़ा गया। देखें ये खास रिपोर्ट। नगर निगम ने गुरुवार को दो बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पहली कार्रवाई सराफा बाजार में हुई, जहां एक अति खतरनाक घोषित हो चुके मकान को तोड़ा गया। दूसरी कार्रवाई निगम कर्मी की हत्या पर फरार हुए गुंडे की अवैध संपत्ति पर की गई। नगर निगम द्वारा 125 मकानों को खतरनाक व अति खतरनाक मकानों की सूची में शामिल कर उन्हें तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। कल एक दुर्भाग्यजनक घटनाक्रम में एक पुराने आदितन अपराधी गोटू के द्वारा अपने साथियों के साथ में एक हत्या का अपराध घटित किया है। आज नगर निगम की टीम द्वारा गोटू तथा उसके भाई के अतिक्रमण वाली सदस्य उनके मदाखले दस्ते द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। सभी के लिए बहुत स्पष्ट संदेश है, जो भी अपराधी इस प्रकार का दुस्साहस करेगा उसको कानून जो सजा देगा वो अपनी जगह है। साथ ही उसके जितने भी अवैध काम हैं, अतिक्रमण हैं, उन सबको नेस्तनाबूत कर दिया जाए। वहीं दूसरी कार्रवाई जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में हत्या के आरोपी का मकान तोड़ा। बुधवार शाम गुंडे गोटू उर्फ प्रहलाद आदिवाल ने निगम कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी द्वारा 15 दिन पहले भी क्षेत्र में गोली चलाई गई थी। बुधवार को वह साथियों के साथ गवाह के 15 साल के बच्चे को लेकर जा रहा था। विरोध करने पर उसने बच्चे पर गोलियां चलाई, जो निगम कर्मी राहुल झांझोट को लगी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। गुरुवार को नगर निगम की टीम ने गुंडे गोटू की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया। देखिए, आज जो कार्रवाई है, अनिल पिता छगन लाल 42-43 बड़ा सराफा मेन रोड पे है। यहाँ पर एक बहुत पुराना मकान था जो जर्जर स्थिति में था, उसको आज हटाने की कार्रवाई की गई है। और इसके अंदर मकान मालिक किराएदार का एक झगड़ा चल रहा था, इस वजह से एक लंबे समय से रिमूवल उसकी वजह से लंबित था। उसमें प्रकरण जो है माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से उसमें अंतिम निर्णय हो गया और उसी अंतिम निर्णय के प्रकाश के अंदर हम लोगों ने आज रिमूवल लगाया है। ये G+2 है और पीछे से जाके टीम का शेड भी बनाया गया है और करीब करीब ये सामने से 25 फीट है लेकिन पीछे से 70 फीट है। साथ में आप देखेंगे कि जो सराफा है इसमें हर दुकान बहुत महत्वपूर्ण है, सब में मतलब सोने चांदी जवाहरात है, तो इसलिए यहाँ पर रिमूवल करना उसमें एक एक स्थिति को बहुत सावधानी पूर्वक देखना पड़ा था। और पास में जो अभी एक और है G+3 उसके अंदर चौकीदार के परिवार था, एक कारीगर का परिवार था, उसको हम लोगों ने हटाया है। जो आसपास की दुकानें हैं उनके दुकान मालिक भी यहाँ पर हैं, कि जो जहां हम तोड़ रहे हैं वो उसका मकान मालिक भी यहां पर है। एक जगह जो किराएदार था उसने यहां के थाने से जानकारी मिली थी कि उसने अपना जितना भी यहां पे सामान था, स्वर्ण आभूषण थे या जो भी संबंधित कीमती सामान था, वो खाली कर दिया है, लेकिन उनको बुलाने पे वो नहीं आए थे, उन्होंने अपना ताला वगैरह लगा रखा था। लिहाजा उसकी वीडियो ऑडियो पूरी वीडियो फोटोग्राफी करा करके उनकी दुकान को खोला गया, पूरे अंदर से देखा गया, उसके अंदर दुकान कुछ नहीं था, उसका रिमूवल की कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। 20 जून के आसपास मानसून के इंदौर में आने की बात मौसम विभाग द्वारा कही गई है। ऐसे में खतरनाक मकानों पर कार्रवाई के लिए निगम के पास बहुत कम समय बचा है, लिहाजा निगम तेजी से कार्रवाई कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।